जय श्री कृष्णा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में अंक ज्योतिष आपके लिए क्या पूर्वानुमान दे रहा है। अक्टूबर के इस मंथ में आपके जीवन के किस क्षेत्र में चैलेंजेस हैं और किस क्षेत्र में खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। साल 2024 में शनि की एनर्जी पूरे वर्ष हमारे साथ चलेगी। अक्टूबर मंथ की सूर्य राशि है तुला राशि, जो 17 अक्टूबर से प्रभावी रहेगी। 17 अक्टूबर से पहले सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिस कारण आप सभी 1 से 9 अंक वालों में, खास करके कोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट संबंधी कार्यों से जो लोग जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला लोगों के लिए ये समय काफी अफेक्टिव रहने वाला है। इस मंथ आप सिक्के के दोनों पहलू पर भली भांति सोच विचार करके ही आगे कोई निर्णय लेंगे। इस मंथ आपको सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी बातों से आप रूबरू होंगे, जिस कारण आपका विजन भी क्लियर होगा और आपको अपना रास्ता तलाशने में आसानी रहेगी। मंथ के शुरुआती समय में सूर्य का कन्या राशि में होना दर्शाता है कि बारिश का मौसम अभी और ज्यादा प्रभावी रहेगा, जिस कारण देश दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ सकते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग बढ़ने का भी खतरा बन सकता है। साथ ही बरसाती मौसम के अफेक्ट आपके शरीर के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव को दिखला रहा है। शनि का राहु के प्रभाव में होना ये बतलाता है कि भ्रम और शंकालु की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बनी रहेगी। आपकी लव लाइफ पर इसका असर दिखा जा सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सतर्क रहें और समझदारी का परिचय दें। ये समय आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं रहने वाला। अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतनी है। अपनी मैरिड लाइफ में भी आपके भ्रम और शक जैसी बातें आपके रिश्ते को नाजुक बना सकती है। आपके वर्क प्लेस पर अगर आप ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, काम में लापरवाही या काम ना करने वालों के लिए ये समय मुश्किलों भरा रह सकता है। अक्टूबर के प्रथम शुरुआती समय में देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था में गड़बड़ी के संकेत मिल सकते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ आर्थिक घोटालों के भी संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, युवा वर्ग जो बेरोजगार है उनमें आक्रोश देखने को मिल सकता है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ स्टेबिलिटी लाने वाला रहेगा। पुरानी आदतों और पुरानी शिकायतों से बाहर निकलने का ये सही मौका रहेगा। दूसरों के सहयोग से कैरियर में आपको कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। वहीं बात अगर देश दुनिया की जाए तो जिन देशों की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनी रहेगी। युद्ध से जूझ रहे देशों को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। नए स्कैंडल देखने को सुनने को मिल सकते हैं, जिस कारण खुफिया विभाग अलर्ट रहेगा। अक्टूबर के इस मंथ में आप सभी 1 से 9 अंक वालों के लिए पर्सनल मंथ का नंबर निकल कर आता है 18 का अंक। सूर्य और शनि के मिलने से यहाँ पर मंगल की एनर्जी बन रही है, जो आपके स्ट्रगल को दर्शाती है। हालांकि अलग अलग मूलांक वालों पर इसका प्रभाव अलग अलग ही देखने को मिलेगा। तो बात अगर अंक 7 की कर ली जाए तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक बनता है 7। जिनका भी मूलांक या फिर भाग्यांक 7 का अंक है उनके लिए अक्टूबर के इस मंथ में पर्सनल नंबर निकल कर आता है 25 का अंक। चंद्रमा और बुध से मिलकर यहाँ पर फिर से केतु की एनर्जी बन रही है। अक्टूबर के इस मंथ में अंक 7 वालों पर 6, 7, 8 और 9 के अंक का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर का ये मंथ आपको टीम वर्क में काम करने का संकेत देता है। हो सकता है आप अपनी टीम को लीड करें। इस मंथ आप पर जिम्मेवारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है। जीवन को अपनी शर्तों पर जीना आपके लिए हो सकता है एक चुनौती बन जाए, लेकिन आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनी रहे उसके लिए आप ओवर एक्साइटेड बिल्कुल भी ना हो। प्रैक्टिकल होकर सोचें, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो पूरी तरह से सोच विचार कर सलाह मशवरा लेकर करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। अपनी खुशी को और अपने उत्साह को अपने भीतर ही रखें, क्योंकि आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। मौका मिलते ही आपके छिपे शत्रु भी सामने निकल कर आ जाते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें और अपने काम का ढिंढोरा बिल्कुल भी ना पीटें। वैसे भाग्य का साथ आपको और ईश्वरी कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहती है। इस मंथ आप फाइनेंशियली अच्छा करेंगे। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से बेटर देखने को मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होना चाहिए।
जो आपको स्टेबिलिटी दे, लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी दे। ऐसा ना हो कि बस जुगाड़ू काम करें, थोड़े समय के लिए आपको प्रॉफिट हो, उसके बाद फिर आप खाली हो जाएं। इस मंथ आपकी इनकम भी अच्छी रहने वाली है, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से होने वाले हैं, और ये खर्चे आपके अपनी फैमिली के भीतर होंगे, आपके फैमिली फंक्शन में होंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी सलाह दी जाती है कि किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। अक्टूबर का सेकेंड हाफ आपके लिए काफी रिलैक्सेशन वाला रहेगा। ये समय आपका अपने परिजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने वाला रहेगा। आपकी फैमिली में फंक्शंस हो सकते हैं, धार्मिक उत्सव हो सकते हैं। आप अपने रिलेशन पर और अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान देंगे, पूरे फोकस्ड रहेंगे। अंक सात वाले जो रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, वो अपनी फैमिली के साथ और अपने रिश्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो जातक अपने परिजनों से दूर रहते हैं, वो घर अपने वापस आ सकते हैं। विदेश में रहने वाले अपने घर वापस आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अपने साथी के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करने के लिए, वो अपने घर में वापस आ सकते हैं। घर परिवार में कुछ सामाजिक महोत्सव हो सकता है, आपके पारिवारिक माहौल को खुशनुमा ये समय बनाने वाला है। और जो अभी तक सिंगल हैं, उन्हें एक साथी की जरूरत महसूस हो सकती है, और ये जरूरत इनको थोड़ा सा हताश और निराश भी कर सकती है। लेकिन सिंगल्स के लिए भी ये अच्छे संकेत हैं कि ज़्यादा टाइम सिंगल नहीं रहने वाले हैं। इन्हें सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान किसी साथी से मुलाकात हो सकती है, जो इनका परिजन बन सकता है। मंथ के एंड में आप एक खुशनुमा माहौल अपने चारों ओर पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि लंबे समय से आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो खुशनुमा पल आपको मिल गए हैं। एक और जहां आप अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वहीं दूसरी ओर आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आलस महसूस करेंगे। आपका मन काम में ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आप फिर से अपने काम पे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ वापस लौटेंगे। इस मंथ आप अति उत्साहित नजर आएंगे। धन कमाने के लिए आपको कुछ नए स्रोत भी मिलेंगे। बीच बीच में आप ख्याली दुनिया में भी गोते लगाते नजर आएंगे, जिस कारण आप ओवर एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन शीघ्र ही आप अपने आप को कंट्रोल भी कर लेंगे और अपने आप को वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ पाएंगे। मौसमी परिवर्तन का आपके शरीर पर और आपके स्वास्थ्य पर भी पूरा असर डालेगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लेकर आएं। इंडाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, मौसमी बुखार या फिर नसों में समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें। इस मंथ आपको स्पेशली इस बात के लिए सतर्क किया जाता है कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। ख्याल रखें कि कोई महिला आपको संजीवनी बूटी देने का काम कर सकती है, इसलिए महिलाओं के साथ अच्छे से पेश आएं और समय समय पर अपनी महिला मित्र से सलाह मशवरा भी करते रहें। वैसे भी आपकी लाइफ में किसी महिला का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो आपको एक सही डायरेक्शन और सही विजन देता है। एक मेंटोर के रूप में एक महिला मित्र आपका जितना साथ दे सकती है, इतना कोई और नहीं। आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में आपका प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। आपके सीनियर्स भी आपके काम की, आपके मेहनत की प्रशंसा करेंगे, और खास करके अगर आपकी सीनियर एक महिला हुई तो आपको उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस मंथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं पर, फैमिली पर, परिवार में कुछ नया सामान लाने पर आप खूब खर्चा करेंगे। मकान के रंग रोगन पर, नया वाहन खरीदने पर आपका खर्चा भी होने वाला है, डेकोरेशन पर खर्चा होने वाला है। जैसी इनकम होगी, उससे कहीं ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है। आपको यहां पर यही सलाह दी जाती है कि जोश में आकर होश ना खोएं, समझदारी से ही खर्चा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कर्जे की नौबत आ जाए। अक्टूबर के इस मंथ को अगर आपने सफल बनाना है, तो अपने दिन की शुरुआत उगते सूरज के दर्शन करके करें। बादलों के बीच से निकलते उगते सूरज को निहारें, इससे आपके भीतर ताजगी का संचार तो होगा ही, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अंक सात वालों पर कन्याओं का कर्जा होता है, इसीलिए इस मंथ कोशिश करें कि आप कन्याओं को नए वस्त्र दान करवाएं, हो सके तो उनकी शिक्षा का, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाए कि कुछ समझ ना आए, तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरे इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।